वेलकम टू दी पोस्टर रिव्यू ऑफ पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की रिलीज डेट कन्फर्म की गई है, जहाँ पे हम इंतजार कर रहे थे ना अतरंगी ना सूर्यवंशी और ना ही बेल बॉटम की रिलीज डेट ने बताई, ना इनका कोई ट्रेलर आया, ना इनकी कोई भी खबर अक्षय कुमार ने फैलाई नहीं है। तो यहाँ लेकिन अक्षय कुमार यहाँ पे पृथ्वीराज यहाँ जो दोस्तों दिवाली की तैयारी में लग चुके हैं, ना यहाँ पे होली पड़ी हुई है दोस्तों, रक्षाबंधन पड़ा हुआ है दोस्तों, उनका बारे में कोई इनको ठिकाना नहीं है। लेकिन दोस्तों इनने एक कम से कम एक मूवी की रिलीज डेट कन्फर्म तो की दोस्तों। यहाँ तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान दिवाली में आने वाले हैं और इससे क्लैश होने वाला है जर्सी। जी हाँ दोस्तों, जर्सी मूवी है, जर्सी मूवी शाहिद कपूर की मूवी जो एक बैट्समैन के ऊपर है, तो वो मूवी इसमें हमें दिखने वाली इनके साथ क्लैश करते हुए एक ही दिन पर रिलीज होगी या फिर एक एक हफ्ते की गैप में रिलीज हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों पृथ्वीराज इज अ अपकमिंग इंडिया हिंदी लैंग्वेज हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय चरण राज प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, एंड प्रोड्यूस बाय यश राज फिल्म। जी हाँ दोस्तों, यश राज फिल्म ने पैसा लगाया हुआ है, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमने बहुत बार बुकों में सुना हुआ है, तो आज हम जब उनकी पिक्चर देखेंगे तो हम पिक्चर में जो भी कोई भी चीज़ होती है पिक्चर देखते हैं तो उनकी पिक्चर से हम उनको परखने लग जाते हैं कि हाँ ये कैसे ऐसे। जब हम फॉर एग्जाम्पल केसरी ले, तो हम केसरी के बारे में अभी तक पता नहीं, जब तक उसकी मूवी ना बनी हो। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें अक्षय कुमार एज अ पृथ्वीराज चौहान का रोल करते हुए देखेंगे। मानुषी, ये जी हाँ मानुषी चिल्लर ये दोस्तों ये मिस इंडिया रह चुकी हैं दोस्तों, तो ये इनने पहली बार इनकी मानुषी चिल्लर की मूवी होने वाली है। तो दोस्तों इसके बाद इनको काम मिलना चालू हुआ, क्योंकि पिछली 2020 में रिलीज होने वाली थी लेकिन 2021 पहुंच गई है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें हमें संजय दत्त, सोनू सूद, आशुतोष राणा, साक्षी तनवार और मानवी जी इसमें हमें लगातार दिखते हुए, और भाई साहब ये संजय दत्त इसमें दिखेंगे हमें, ओह माय गॉड, मुझे ये पता नहीं था अभी तक, मैंने अभी अभी देखा है। तो इसमें यहाँ दोस्तों मानुषी चिल्लर का नाम जो होगा सनाया गोती होगा, या संजय दत्त का काका नाम होने वाला है काका। और यहाँ पे यशराज फिल्म्स में 5 मूवी, जी हाँ दोस्तों यशराज फिल्म की ये पृथ्वीराज होने वाली है, ये आपको अभी बताया मैंने। और यहाँ पे रसराज फिल्म ने 5 मूवी की रिलीज डेट कन्फर्म कर दी गई है। तो दोस्तों वहाँ अभी पहली मूवी पृथ्वीराज चौहान थी, जिसके लोग पागल हो रहे थे भाई कि इनकी मूवी कोई ना कोई से तो रिलीज डेट निकले भाई, मतलब एक अभी बेल बॉटम की 2 अप्रैल पड़ी हुई है, इसी तरह अभी अतरंगी देगी भी 14 फरवरी पड़ी थी लेकिन 14 फरवरी आई नहीं। अब किस पे भरोसा किया जाए, किस पे भरोसा नहीं किया जाए दोस्तों। तो लेकिन यहाँ पे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ पे थिएटर पूरी तरह खुल चुके हैं, कोई कुछ नहीं है, अब रिलीज करना चाहिए। जैसे अभी रूही आ रही है स्त्री का पार्ट 2 बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों ट्रेलर देख के कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो पार्ट 2 है, पूरी स्टोरी अलग है वो, लेकिन वो भूतिया थी अभी घोष्ट, मतलब पूरी अभी अगर इनकी सीरीज बनती भी तो पूरी घोष्ट टाइप की सीरीज बनाएंगे। तो दोस्तों और भी यशराज की फिल्म जो अभी अनाउंसमेंट हुई है उनकी मूवी में उनकी भी कुछ डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो अब उनकी वीडियो देख सकते हैं जाके। और यहाँ पे दोस्तों मानुषी चिल्लर पहली बार पृथ्वीराज चौहान में आ गए, पृथ्वीराज चौहान हिट होने के बाद, वैसे भी हिट होगी अक्षय कुमार है, तो अक्षय कुमार जैसे हिट होगी तो पृथ्वी मानुषी चिल्लर को यहाँ से काम मिलना चालू होगा। तो कुछ इस प्रकार ये था। तो दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।